सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज रितिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। सो ये है मेरा फार्म, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, वो है एक फार्म टूर। मेरे फार्म में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज आई लव नेचर। सो इसलिए मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी एक हैप्पीनेस दूँ फार्म टूर करवा के। सो लेट्स गो। आज फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये। सो आप लोग सोच रहे कि ये क्या है। सो ये है चीकू का झाड़, चीकू का ट्री। सो ये रहा छोटे से चीकूस जो अब तक रेडी नहीं है, होने वाले हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट ट्री जो हमने प्लांट किया है यहाँ पे। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलो चलो चलो। सो नेक्स्ट है, आप लोग बहुत खुश हो गए इसे देख के, ये है एक जामुन, और जैसे कि हम लोग बोलते हैं जामुन का ट्री। सो ये बहुत ही बड़ा है। सो ये रहा हमारा जामुन जो अब तक रेडी नहीं है, होने वाले है। सो आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारे जामुन ऊपर की तरफ है, तो हम लोग जल्द ही उसे निकालेंगे और मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। सो ये रहा। सो ये तो हो चुका है, तो हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा जामुन है ये। वेरी नाइस। तो इसे मैंने डायरेक्टली इसलिए निकल के खाया। आप लोग सोच रहे हो कि केमिकल है, ये है वो है, इस पर कोई केमिकल नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही हमने लगाया है, कोई सेल करने के लिए नहीं है कि हमें इसे केमिकल लगा के जल्दी बनाना है। सो ये सिर्फ हम लोग के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली निकाल के खाया है गाइज। लेकिन जो मुंबई में आते हैं, प्लीज़ आप उसे वॉश करके खाइए, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो चलो हम जाते हैं नेक्स्ट ट्री पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है जो सिर्फ झाड़ पे एक ही है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ने लगाया हुआ है और ये झाड़ पे सिर्फ एक ही फ्रूट आया है ये। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है। सो ये है जैक फ्रूट, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और मराठी में हम लोग इसे फनस बोलते हैं। सो ये सिर्फ झाड़ पे एक ही है, क्योंकि अभी तक छोटा है, इसलिए सिर्फ इसको एक ही आया है जो कि मैं खाने वाली हूँ। सो हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट ट्री पे, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत हम इसे फेस पे भी लगाते हैं। सो मैं कोई अभी आप लोगों को ज़्यादा डराऊंगी नहीं कि वो क्या है, सस्पेंस नहीं बढ़ाऊंगी। सो ये रहा वो ट्री, इट्स पपाया। यू कैन सी कि वो बहुत ही छोटे है अभी, आप लोग देख सकते हैं कि वो अभी तक बहुत छोटे से है, क्योंकि अभी भी चालू हुआ है जस्ट आना पपाइज इसको। सो हम इसे भी खाएंगे और आई मेक श्योर कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी फार्म टूर पे आप लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए, बिकॉज आई लव नेचर, जैसे कि मैंने बताया था। और सब लोगों को नेचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, नेचर आप लोगों को भी पसंद होगा आई होप। सो ये रहा मेरा पपाया ट्री। सो हम चलते हैं नेक्स्ट ट्री पे, चलिए। और ये रही हमारी डॉगी, चलिए। तो ये मैं अभी खड़ी हूँ, वो है हमारा कॉर्न प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हैं मक्का, जैसे कि हम लोग मराठी में बोलते हैं और हिंदी में हम इसे भुट्टा बोलते हैं। सो ये है वो, जो कि अभी जल्द ही आएंगे, मैक्स टू मैक्स 15 या 20 डेज में इसे आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे आते हैं, तो चलिए मेरे साथ। सो यहाँ पे अभी सिर्फ स्मॉल स्मॉल ही आना शुरू हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ सीधे ये अभी सिर्फ आना शुरू हुआ है। और ये बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक ही आपको वो ही दिखेगा। सो यस, ये आ जाएंगे 20 डेज में और हम इसे खाएंगे। तो हम जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली, वो भी बहुत ही अच्छा है। सो चलिए। सो मैं अब खड़ी हूँ, ये है पोमोग्रेनेट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पोमोग्रेनेट आ चुके हैं और ये बहुत सारे हैं ट्रीज पे। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये अब तक रेडी नहीं है, जब तक ये रेड नहीं हो जाते। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, इट्स सो अमेजिंग एंड डिलीशियस। सो ये है हमारा पोमोग्रेनेट जो बहुत हेल्दी है। मैंने सारी हेल्दी चीज़ों का
पेड़ लगाया हुआ है जो मुझे पसंद है, फ्रूट स्पेशली वो, और हेल्दी भी चीज़ों का सारा मैंने लगाया हुआ है। सो हम जाते हैं अभी नेक्स्ट ट्री पे, चलिए। सो नेक्स्ट है हमारा गोवा ट्री, जो आप लोग देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरू, वो है ये। सो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारे आ चुके हैं पेड़ पे, जितने भी अभी तो सारे सब ग्रीन है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हैं ये, ये बहुत सारे हैं। अभी इसे भी होने के लिए 10 डेज तो जाएंगे, क्योंकि तो अभी तक ग्रीन है। सो जैसे कि मैंने कहा था, मैं सारे हेल्दी चीज़ों का ट्री लगाया हुआ है, बिकॉज आई लव प्लांटिंग थिंग्स, मेरे को बहुत पसंद है ट्रीज, प्लांट्स, ये सब लगाना। सो यस, चलो हम जाते हैं अब नेक्स्ट ट्री पे। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ, ये है हमारा लेमन ट्री, जैसे कि हम बोलते हैं लींबू, जैसे हम बोलते हैं। सो ये रहा वो, और ये बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पेड़ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये अभी तक ग्रीन है, अभी ये येलो हो गए, कुछ येलो हो चुके हैं और कुछ होना बाकी है। सो यस, ये रहा मेरा लास्ट ट्री। और आप मैंगो ट्री भी बहुत है, लेकिन हमने सारे मैंगोज निकाल लिए, तो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं रहे मैंगो ट्री, और जो होना बाकी है फ्रूट्स वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। सो यस, ये रहा मेरा आज का वीडियो। यस, हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप मैंने आपको थोड़ी सी तो हैप्पीनेस दी होगी, इतने ग्रीनी नेचर को देख के आप लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी, जो हमें मुंबई में देखने नहीं मिलता है इतना, बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरी थिंग। लेकिन इसे इंजॉय करना भी गाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना अच्छा क्लाइमेट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा क्लाइमेट है। सो यस, सो आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को खुशी होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।